अब इस्लाम विथ लिटरली मीन्स पीस। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। सात संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। कल ईद उल फित्र थी, कल दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। कल सिर्फ भारत में तकरीबन 10 करोड़ लोग, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, तुर्की, मिस्र, ये पांचों मुल्क, पांचों देश, पांचों कंट्री के पूरी आबादी के बराबर लोग घरों से बाहर निकले। हजारों की तादाद में अलग अलग मकामात पर जमा हुए, मस्जिदों में, मैदानों में, ईदगाहों में, सड़कों पर अपने इस्लामी मजहबी रसूमों रिवाज की पैरवी करते हुए और ईद की नमाज पढ़कर अपने अपने घरों में अमन अमान के साथ वापस लौट गए। इस दौरान तकरीबन 100 करोड़ गरीबों, जरूरतमंदों की मदद की गई, अतिये दिए गए, सदके फित्र अदा किया गया। लेकिन कहीं शोर गुल नहीं, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं था। किसी मजहबी मकाम यानी मंदिर, चर्च के बाहर कहीं नारेबाजी नहीं हुई। उन्हें किसी बिरादरी, किसी धर्म को उचकाने, मुश्ताइल करने, उकसाने के लिए कोई नारेबाजी नहीं की गई। और इस हुजूम को काबू करने के लिए न तो किसी पुलिस की जरूरत थी, न किसी फौज की, और ना ही किसी लीडर की जरूरत थी। इस हुजूम के लिए किसी किस्म के रहनुमा उसूलों की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं थी। ये हुजूम खुद पर काबू पाने वाला था, क्योंकि इस हुजूम की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसकी गवाही चांद, सूरज, जमीन, आसमान और सितारे देते, अल्लाह ही था। अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इस हुजूम के रहनुमा उसूल यानी गाइडलाइन तय कर दिए थे। अरे जरा सोच के देखिए ना कि 10 करोड़ लोग सड़कों पर हो और कोई हंगामा ना हो। इसका मतलब यह है कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो अमन पसंद है, अमन के सफीर है और शांति दूत है। हाँ, हम अमन के सफीर हैं। कल भारत में 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमानों ने ईद मनाई। क्या आपने मुसलमानों को दूसरे मजहब, दूसरे धर्म की इबादत गाहों के सामने, यानी मंदिरों के सामने, चर्चों के सामने नाचते, गाते, इश्तियाल अंगेजी करते, उचकाते, उकसाते हुए देखा, नारे लगाते हुए देखा, या नस्ल कुशी या नरसंहार पर पॉप म्यूजिक बजाते, झंडे लहराते देखा आपने? न कोई शोर, न कोई डीजे, न तलवारें, न लाठियां उठाई गई। भाइयों बहनों, 30 सेकंड के लिए एक जरूरी बात सुन लीजिए। हमारी मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी चलती है, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे सब ऑनलाइन नूरानी कायदा और कुरान पाक और इस्लामियात, अखलाकियात सीख सकते हैं। अगर आप भी या आपके बच्चे भी और हमारे घर की माँ बहनें भी अगर कुरान पाक सीखना चाहते हैं तजवीद और मखरज के साथ, तो आप आपा से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आगे रहबरी करेंगे और बेहतरीन अंदाज में आपका कुरान पाक, नूरानी कायदा और इस्लामियात की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब कुछ इंशाल्लाह सिखाएंगे, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, आप जरूर रब्ता करना। न दूसरे मजहब, न दूसरे धर्म या फिर उनके धार्मिक स्थलों या मजहबी मकामात को कोई नुकसान पहुंचाया गया, न माशरे, न किसी समाज के किसी इंसान के साथ कोई जुल्म, कोई अत्याचार, कोई ज्यादती की गई, न ईद के दिन किसी मंदिर को इस डर से कि इसको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, इस तरह से जिस तरह से मस्जिद को ढांकना पड़ा था, ऐसे किसी मंदिर को ईद के दिन ढांकना नहीं पड़ा। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए दुनिया को यह बताने के लिए कि हम अमन पसंद और शांति प्रिय कौम है? अरे जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? कई सदियों से भारत में हिंदू मुसलमान प्यार और मोहब्बत और एकता के साथ रहते आए हैं और रहेंगे। आज भी हिंदू कौम में 95% लोग ऐसे हैं जो अमन पसंद है और शांति प्रिय है। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान बहुत आगे है। लेकिन जैसे हर मजहब में अच्छे बुरे लोग होते हैं जो अमन शांति के दुश्मन होते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, लेकिन हर मजहब में बुरे लोग रहते हैं।
लेकिन जब इन बुरे लोगों को, इन नफरती लोगों को सियासत का मैदान मिल जाता है और जब सियासत के लिए और राजकारण के लिए और अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए इनका इस्तेमाल, इनका यूज करना शुरू हो जाता है, तो फिर पूरे मुल्क में अशांति फैल जाती है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, और इस्लाम तो पूरा के पूरा अमन शांति का मजहब है। इस्लाम के माना ही पीस के है, ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री भी मानते हैं। आप खुद सुनिए। The trace is its original from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. Allah is Rahman and Rahim. कोई भी देश कभी आपस में लड़कर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि हमेशा आपस में मिलजुल कर एक जान होकर ही आगे बढ़ा है। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो इन नफरती लोगों को पहचानना होगा, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के हो, और इनको हराना होगा। आखिर में एक शेर कहकर, एक दो लाइन कहकर आज की वीडियो को खत्म करता हूं कि एक दरख्त मोहब्बत का लगाया जाए, एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अमन शांति का एक पैगाम आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लीजिए जनाब, आपकी खिदमत में हम एक ऐसा माजून पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मंजूर शुदा है और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये माजून न सिर्फ आपके मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, बल्कि आपकी धातु मनी वीरज को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी आसाबी कमजोरी यानी नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक सेहतमंद मर्द बनाएगा। खर्च कम, फायदे ज्यादा। एक मरतबा आजमा कर देख लीजिए, आप भी कहेंगे वाह भाई वाह।